वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करौली का वर्चुअल टूर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगह है जहां पे आपको जाना चाहिए। इन बीहड़ों में डाकुओं के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि ये रसीले बीहड़। खा के मज़ा आ गया। खाने से याद आया, अगर आप करौली आ रहे हैं तो यहाँ के टिक्कड़ और दम आलू की सब्जी ज़रूर खाएं, और स्वीट्स में खीर मोहन ज़रूर। इन्हीं बीहड़ों के कारण करौली को डांग की रानी कहते हैं। चलिए इस पहाड़ी के बीच आपको पांचना डैम दिखाते हैं। करौली से जस्ट पहले पांच नदियों के संगम पर बना हुआ है पांचना डैम, जो कि राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का डैम है। अगर आप यहां आते हैं तो कृपया दूरी बनाए रखें, क्योंकि फिसल कर कई लोगों की मौत हो चुकी है यहां पर। इतिहास के पन्नों पर भी करौली का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ के वीर राजाओं की गाथाएं गाता हुआ ये सुनहरा किला। करौली में लाल पत्थर निकलता है जिससे बना हुआ है ये किला। हमारा राष्ट्रपति भवन भी इसी से बना हुआ है। धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है करौली, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, जिसमें 400 साल पुरानी महावीर स्वामी की मूर्ति स्थित है। हर साल लाखों लोग यहां पर आते हैं। हिंडौन से 40 किलोमीटर कैला देवी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जहां पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तिमनगढ़ अपनी वीर गाथाएं गाता नजर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।